हरे कृष्णा राधे राधे। पवित्र पावन वैशाख का महीना चल रहा है। इस महीने में किए गए किसी भी पुण्य कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पुण्य कर्म करने चाहिए। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, पूजा पाठ, व्रत दान आदि का विशेष महत्व है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत वैशाख संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। वैशाख संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत गणेश जी के निमित्त करके भक्त गणेश जी की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। बहुत ही फलकारी व्रत है, सबको करना ही चाहिए। गणेश जी सुख के दाता हैं, दुख हरता है, बुद्धि के दाता हैं, इसलिए उनको प्रसन्न करना इस व्रत को करके बहुत आसान होता है। जो व्रत ना कर सके वो गणेश जी की विशेष पूजा करे, उन्हें दुर्वा मोदक और लड्डू अर्पित करे। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इससे कष्ट दूर होते हैं, धर्म अर्थ मोक्ष विद्या धन और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। अब आपको अति पावन कहानी बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक बार पार्वती और गणेश जी का संवाद चल रहा था। माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, पुत्र वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन किस गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश स्वरूप की पूजा कर भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को भगवान श्री कृष्ण से पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, आज मैं वही इतिहास आपके समक्ष वर्णन करता हूँ। कृपया आप श्रद्धायुक्त होकर सुने। एक समय श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याणदायी चतुर्थी का जिसने व्रत किया उसे जो फल प्राप्त हुआ वो सब मैं तुम्हें कहता हूँ। प्राचीन काल में एक रति देव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है, जिस प्रकार आग तिनकों के समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वो अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उन राजा की मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवों के साथ थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उन श्रेष्ठ ब्राह्मण की दो स्त्रियां थी, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई ना कोई व्रत जरूर किया करती थी और इस तरह से उसने अपने शरीर को बहुत ही दुर्बल बना रखा था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी, भर पेट भोजन करती और मजे से रहती। दोनों को गर्भ ठहरा। सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब ये देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताने देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके शरीर को जंजर बना डाला, फिर भी तूने एक कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैंने कभी कोई व्रत के चक्कर में नहीं पड़ी और हिष्ट पुष्ट हूँ और वैसे ही हिष्ट पुष्ट बालक को भी जन्म दिया है। अपनी सौत के व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगे। वो पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करती थी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीला, तेरी आराधना से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा ही प्रसन्नता बनी रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वक्ता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार वरदान देकर गणेश जी वही अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फल स्वरूप उस कन्या के मुख से हमेशा मोती मूंगा झड़ते रहते। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। समय की माया से उनके पतु धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। धर्मकेतु की मृत्यु के पश्चात चंचला घर पर जितना धन था वो लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला
अपने पति के घर में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुख से निकलने वाले मोती मूंगा गिरने से सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन इकट्ठा हो गया था। इस कारण चंचला उससे बहुत ईर्ष्या भी करती थी। एक दिन चंचला ने ईर्ष्या में आकर लड़की की हत्या करने का मन बनाया और इस उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को एक कुएं में धक्का दे दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उस कन्या की रक्षा की, क्योंकि कहते हैं ना, जिसके सर पर भगवान का हाथ होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। वो बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला बहुत परेशान हो गई। वो सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करे उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी कन्या को पुनः देखकर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दिया है, अनाथों के नाथ गणेश जी ही है। अब चंचला को अपनी गलती का एहसास था और वो सुशीला के पैरों में आकर गिर पड़ी। उसे देखकर सुशीला के भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूं, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं, अपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसके रक्षक भगवान हो उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्पुरुषों में दोष देखते हैं वो अपनी करनी से स्वयं ही नाश हो जाते हैं। इसके बाद चंचला ने उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नामक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से उन दोनों में प्रेम भाव हो गया और दोनों साथ साथ रहने लगे। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उनके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने से उसकी सौ चंचला का दिल भी परिवर्तित हो गया और वो उसकी संगनी बन गई। इसके बाद भगवान श्री गणेश कहते हैं, हे माते, पूर्व काल का पूरा वृतांत मैंने आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। इतनी कहानी कहने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा और आपको असिद्धियां और नवनिधियां प्राप्त होंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को भी पुनः प्राप्त कर लेंगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय, गणेश चतुर्थी व्रत की जय। अब मैं आपको इसकी पूजा विधि बता देती हूँ। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को गणपति के वक्र तुंड स्वरूप की पूजा करें। प्रातः काल उठ के स्नान करके गणेश जी को दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करें और व्रत का संकल्प करते हुए कहें, हे वक्रतुंड गणेश जी, मैं चतुर्थी व्रत को करने का संकल्प करती हूँ। आज मैं पूरा दिन निराहार रहकर आपके स्वरूप का ध्यान करूंगी और शाम को आपकी पूजा करके चंद्र उदय हो जाने पर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन करूंगी। संकल्प करने के बाद पूरा दिन गणेश जी के ध्यान में व्यतीत करें। शाम को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, विधि पूर्वक धूप दीप अक्षत चंदन सिंदूर नैवेद्य से गणेश जी का पूजन करें। पूजन के बाद चंद्रमा निकलने पर अर्घ दें, वैशाख चतुर्थी व्रत की कथा सुने और सबको सुनाए। पूजन के बाद कमल गट्टे के हलवे का भोजन करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम गण गणपताये नमः।